टाइम हमारी उम्र 5-6 साल रही होगी और बचपन में खेला देख रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहा था, सब हम बैठ के एक जगह देख रहे थे, तो एक लड़का गिल्ली को डंडे से मारा, वो आके हमारी आंख पे यहाँ बैठ गया और नस फट गया, लेकिन हमको मालूम नहीं, हम तो यही जान रहे कि हमारी आंख में चोट लगा है। हमारी दादी घर में आजन वगैरह बनाती थी, वही लगा लगा के आँख का घाव तो ठीक हो गया, लेकिन रोशनी नहीं आया, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी आँख में दिखाई नहीं देता। जब बड़ा हुए, बाहर निकले, प्रदेश में आए, तो डॉक्टर को दिखाए, हमको समझ में आया कि एक आँख से हमको दिखाई नहीं देता है। तो डॉक्टर लोग चेकअप किए तो बोले कि आँख की तो रोशनी आपकी चली गई और वापस नहीं आ सकती, लेकिन आँख का सो है, इसको रहने दीजिए, इसमें कोई छेड़छाड़ मत कराइए, इससे जितना दिन चलता है चलने दीजिए। फिर अचानक मैंने, इस टाइम हमारी उम्र 66 है, 10 साल पहले से इसमें बहुत जलन और खुजली, कीचड़, पानी ये सब निकलने लगा, बहुत परेशान रहने लगे। तो हमारी दाहिनी आँख भी इसके वजह से खराब होने के रुख पे जाने लगी। फिर शंकर नेत्रालय में अपनी चिकित्सा करवाए, डॉक्टर लोग देखे तो बोले कि एक आँख आप निकलवा दीजिए, नहीं तो ये भी आँख आपकी खराब हो जाएगी। फिर हम उनकी बात मान के दिशा हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन आज के 1 साल पहले करवाए, और 10 महीना पहले करवाए थे, तो वही वो लोग आँख लगाने के लिए बोला था, लेकिन वो ठीक से नहीं किया। फिर मैडम का हम इंटरनेट से नंबर और एड्रेस लिए, बात किए, फिर आए इनके पास, फिर एक बार आँख लगाई, लेकिन वो आँख मैंने लगी बहुत बढ़िया आँख थी, लेकिन वो संजोग से कि गिर गई, खो गई आँख, फिर हमको दोबारा आँख में लगवाए, अच्छा लग रहा है, और भगवान चाहेंगे तो आगे चलते रहेगा, ऐसा भी होगा।